ललितपुर थाना मर्दनपुर अंतर्गत ग्राम उलंडाना खुर्द में एक कुएं में एक महिला सहित चार बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान जगदीश यादव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से शवों को पड़वाहार में स्थित कुएं से बाहर निकालकर शिनाख्त कराई गई। शवों में मृतक महिला की शिनाख्त उलंडाना खुर्द निवासी राजेश पुत्र करण कुशवाहा की पत्नी विमला देवी के रूप में की गई। वहीं बच्चों की पहचान 4 वर्षीय नैरज एवं 2 वर्षीय जुड़वा पुत्र पुत्री रोशन और भूरी के रूप में की गई। वहीं काफी देर तक एक राजेश की 7 वर्षीय बेटी आरुषि कहीं कोई खबर नहीं मिल सकी, जिसकी तलाश कुएं में भी कांटा डालकर की गई, जिस पर उसका शव भी कुएं से बरामद। आपको बताते चले कि मृतका का विवाह 8 वर्ष पहले राजेश के साथ हुआ था, जिससे उसके 4 बच्चे थे। ग्रामीणों के अनुसार राजेश का किसी अन्य महिला से चक्कर होने के चलते पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे और शायद इसी के चलते विवाहिता द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया। फिलहाल मामले की सच्चाई अंधेरे में के ग्रत में है, जो जांच के बाद ही उजागर हो सकेगी। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ग्रह कलाई की चलती महिला ने घटना को अंजाम दिया। अब यहां से हम मतलब भर कर ना पैसा कि खाद की बोरी ले आओ हैं सर, और भी डर नहीं तो मोरमा हम उन पैसा दे और हम चले गए मड़ावरा। वहीं करीब 1 बजे की बात है, मड़ावरा से हम शाम के यहाँ आए तो अब पता चलो हैं सर। आप दोनों के बीच कभी कोई अनबन या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ सर। तो ऐसे क्या कारण रहा होगा कि एक माँ ने अपने बच्चों सहित कुएं में कूद के जान दे दी? कोई पता नहीं है सर, कहीं ना कोई परेशानी समस्या तो होगी ही। हमें तो नहीं है सर पता, अपने आप में कोनो वो हुई तो हमें नहीं है मालूम। अभी आपकी एक बच्ची का पता नहीं है, बड़ी बच्ची है, वो कहाँ है, ऐसा कुछ जानकारी है? कोई नहीं है सर पता, हाँ तो यहीं को मालूम पर उसे यहीं चलिया सी डायरेक्ट मड़ावड़ी से। कैसी जानकारी? क्या मतलब कि 3 बच्चे मतलब अतरा रहे कुआ में, एक महिला है, फिर गाँव में सुनता है, संग चली आए थे सीधी डायरेक्ट। आपकी पत्नी मायके गई थी, कब लौटी? परसों के साथ में गई थी सर। तो यहाँ वहाँ कुछ हुआ क्या? नहीं सर।